नमस्कार सभी को, मैं सौरभ आहार ऑर्गेनिक्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम बात करने जा रहे हैं सरसों में कुछ मुख्य बीमारियाँ और उनके नियंत्रण के बारे में। उससे पहले अगर आपको सरसों की वैरायटी या उसके खाद्य प्रबंधन के बारे में जानना है तो आप आई बटन पे क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। तो अब बात करते हैं सरसों में लगने वाली बीमारी के बारे में। यह कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो फंगस की वजह से आती हैं। काला धब्बा, अल्टेरिनिया, ब्लैक स्पॉट, वाइट रस्ट, सफ़ेद रोली और मृदु रोमिल, असिता, डाउनी, माइल्ड्यू। ये तीनों बीमारी फंगस की वजह से आती है। इसको रोकने का सबसे अच्छा उपाय है कि आप बीज की बुआई करने से पहले फंगीसाइड से बीज उपचार यानी सीड ट्रीटमेंट कर लें। और फिर भी अगर यह बीमारी आती है तो मेटालैक्सी 8% प्लस मैनकोजेब 64%, ये किसी भी ब्रांड का हो पर फॉर्मूला सेम होना चाहिए, 500 ग्राम को 200 लीटर पानी में डाल के पर एकड़ स्प्रे करें। अब आते हैं दूसरी सबसे ज़्यादा लगने वाली बीमारी पे, जिसका नाम है तना गलन मतलब स्टेम रॉट। इस रोग की पहचान की बात करें तो पौधे के तने में धब्बे दिखने लगते हैं और सफ़ेद जाली जैसे बनने लगता है। ये पौधे के तने को पूरी तरह से सुखा देता है। इसके लिए आप UPL कंपनी का साफ या किसी भी ब्रांड का कार्बेंडेजियम 12% प्लस मैनकोजेब 63% WP को 500 ग्राम 200 लीटर पानी में प्रति एकड़ स्प्रे करें। अब आते हैं अगली बीमारी पर। यह बीमारी सरसों में सबसे ज़्यादा आती है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ चेपा, माहू या एपिट के बारे में। यह छोटे जीव पौधे में से रस चूस के अपनी तादाद को बड़ी तेज़ी से बढ़ाते हैं और इससे फसल की पैदावार में काफ़ी भारी नुकसान होता है। इसे ख़त्म करने के लिए आप किसी भी ब्रांड का थायामेथॉक्सिम 25% WG को 60 ग्राम 200 लीटर पानी में मिला के प्रति एकड़ स्प्रे कर सकते हैं। अब आते हैं अगली बीमारी पर, आरा मक्खी सॉफ्टफ्लाई। इस कीट की काले रंग की सुंडियां पत्तियों को काटकर खा जाती हैं और इसका आक्रमण अक्टूबर से नवंबर के महीने में ज़्यादा होता है। इसके नियंत्रण के लिए आप क्यूनॉल फॉस 25% EC को 60 ml 200 लीटर पानी में प्रति एकड़ स्प्रे करें। तो दोस्तों, आशा करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं फिर ऐसी किसी एक वीडियो के साथ।